हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टार इलेक्ट्रिकल। आज हमारे पास में दो सीलिंग फ़ैन है रिपेयरिंग के लिए दोस्तों। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं पहले ही चेक कर लिया हूँ, तो मैं आपके साथ में ये शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। ये दोस्तों ओरिएंट कंपनी का है, इसमें बेयरिंग का प्रॉब्लम है और ये क्रॉम्पटन कंपनी का, इसमें दोस्तों वाइंडिंग नहीं दिखा रहा है। अभी मैं दोनों आपके सामने खोलने वाला हूँ और इसे आप ही के सामने वापस फिटिंग करने वाला हूँ। और इसे खोलना कैसा है, इसे फिटिंग कैसा करना है, पूरा देखिए वीडियो। इसके लिए हमें ये टेस्टर, दो स्क्रू ड्राइवर और एक हथौड़ी की ज़रूरत है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब की। ये ओरिएंट का पहला फैन हम खोलेंगे, इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। कैपेसिटर कनेक्टर बोलते हैं इसे। इसके वायर मैंने पहले ही निकाल दिया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इस तरीके से इसका स्क्रू खोल के इसको साइड में रख देंगे। और इसके कवर के स्क्रू होते हैं तीन, एक दो तीन, ये भी मैंने पहले ही खोल के रख दिया है। और ये बॉडी के स्क्रू होते हैं। इस तरीके से इसको टेस्टर से या स्क्रू ड्राइवर से आप लोगों को खोलना है। सब मैंने पहले ही खोल के रखा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इस तरीके से इसका कवर पहला निकलेगा, ये इसका कवर है, साइड में रख देते हैं। सारे सामान इसके इसके अंदर रख देते हैं। ये इसको इस तरीके से पुश करके इसका बैक कवर ये भी खुल जाएगा। अब ये है स्टेटर, इसे हम फैन की मेन मोटर कहते हैं। रिंग इस तरीके से निकालना है से हैमर की मदद से हल्का हल्का ठोकना है। ये इस तरीके से ठोक ठोक कर हैमर की मदद से निकलता है दोस्तों। इसकी बेयरिंग खराब है, इसे नया बेयरिंग डालेंगे दोस्तों। बेयरिंग कूलर है दोस्तों, इस तरीके से इसको कि वाइंडिंग बिल्कुल अच्छी है, वाइंडिंग डैमेज नहीं होना चाहिए। इसे इस तरीके से पकड़ कर इतनी आसानी से बेयरिंग कूलर की मदद से बेयरिंग खुली है। अब हम इसमें नया बेयरिंग HCH कंपनी का ये बेयरिंग लगाएंगे दोस्तों। बेयरिंग को इस तरीके से फिट किया जाता है हैमर की मदद से। स्टेटर में दोस्तों एक नंबर की बेयरिंग लगती है और पीछे के बैक कवर में दो नंबर की बेयरिंग लगती है। ये दोनों नया फिट हो चुका है, ये दो नंबर की बेयरिंग है, ये हमने इसे फिट कर दिया है दोस्तों। अभी हम इसे फिटिंग कर देंगे, पूरा फिटिंग इस तरीके से करेंगे। ये स्टेटर है, इससे पहले बैक कवर रख डालना है हमारे को और इसे इस तरह से पुश करना है। अगर ये फ्री है तो इसे थोड़ा पंच मारा जाएगा, लेकिन ये टाइट है, थोड़ा सा हैमर की मदद से
यहाँ बैठ चुके हैं। अब इसका रिंग डाला जाएगा दोस्तों। उसके बाद में इसका ये कवर से भी हैमर की थोड़ा मदद से हल्की हल्की छोड़ दे रहे हैं, तो होल से होल मिला देना है। ये हमारा फैन पूरा फ्री हो चुका है, अभी इसे हम स्क्रू टाइट कर देंगे। तीनों स्क्रू स्क्रूड्राइवर की मदद से पूरा टाइट करना है। तरीके से अच्छे से टाइट करना है। और एक बार चेक कर लेना इसे घुमा के, फैन हमारा बिल्कुल फ्री है एकदम। कवर के स्क्रू लगाना है हमें, मैंने तीनों को लगा लेना है। अगर हम एक टाइट करते हैं ना तो दूसरा आसानी से लगता नहीं है। टेस्टर की मदद से इस तरीके से वायर निकाल दिया है। हमारा फैन ये फिटिंग हो चुका है पूरी तरीके से। कनेक्टर के वायर पहले से लगे लेके निकालना है। अब हम इसका कनेक्शन करेंगे दोस्तों। ये ब्लैक टू ब्लैक एक कॉइल होता है और ये रेड टू रेड एक कॉइल होता है। ब्लैक और रेड इसे हमें कॉमन करना है दोस्तों। और ये दोनों पर एपिसोडर के वायर लगा, हमें इसका रोटेशन चेक करना है। हम सीरीज बोर्ड की मदद से रोटेशन चेक करेंगे कि इस तरीके से घूमना चाहिए। ये हमारा सीरीज वायर है, देखो बल्ब जल रहा है। एक बार इसमें और एक बार कॉमन में लगाएंगे क्योंकि उल्टा घूम रहा है ब्लैक के साथ में, तो रेड के साथ में राइट घूम रहा है। अभी हम इसका कनेक्शन करेंगे। अभी ये हमारा फैन दोस्तों कनेक्शन और फिटिंग पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा फैन को देखेंगे। अब हम ये ओरिएंट का फैन खोलने जा रहे हैं दोस्तों। प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा आपके किस तरीके से खोला जाता है, किस तरीके से फिटिंग किया जाता है। एक एपिसोडर कनेक्टर है ये, उसके बाद में बॉडी के तीन स्क्रू खोलना है हमें। सब मैंने पहले ही खोल के रखा है दोस्तों।
ये इस तरीके से फ़ैन खुल गया हमारा, हल्के से थोड़ा ऊपर उठाना है, अगर ये नहीं खुलता है तो इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर की मदद से हल्का हल्का खोला जाता है। दोस्तों ये दिखाई दे रहा है आपको, 1 2 3 तीन कॉइल जल चुके हैं, इसे हमें रिवाइंडिंग करना होगा दोस्तों। ये रिवाइंडिंग को रिवाइंडिंग मशीन पर लेके जाकर उसके बाद में मैं ये वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। अब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।